नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का शादी की सालगिरह ख़त्म हो गया है। अब नए सिरे से ब्लॉग आता रहेगा। आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। अभी थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम चल रहा है। ये देखिए हमारी उंगली में ये हो गया है, ये रबड़ लगा रखे हैं, टेप लगा हुआ है। बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारी वाइफ ने पेड़ पौधे लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं, एक से एक प्लांट लगाए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ा मस्त फूल भी देता है, सब कुछ करता है, बिल्कुल बखत से है। जितना भी फूल देता है हर एक का मूवमेंट का फ़ोटो खींच के रखती है, बिल्कुल बकायदे बढ़िया वाले बिल्कुल हैं। और देखिए ये हमारा लगा, देखिए झालमुड़ी बना रहा है, देखिए एस्टिमेट ला के रखा है ये। इसके अंदर मूंग वूंग बड़ा है, दाल मुड़ वगैरह है हैं। ये देखिए यहाँ का प्लांट कितना मस्त बना रखी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या चीज़ का पेड़ है इसमें, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए सब फूल वूल सब दे रहा है। नेहा खाना बना रही है, रोटी पहली बार क्यों बना रही है, बना रही है मशरूम की सब्जी बन रही है, रोटी बना ली है हैं। ये देखिए क्या बेलती है रोटी को, धनाए धाए धनाए धाए, लग रही है मम्मी सिखा के भेजें। ना, सिखा दी। हमारी माँ तो सिखाती है। देखिए आपको मशरूम की सब्जी दिखाते हैं, देखिए मशरूम की सब्जी बन रही है, देखिए अभी खदक रहा है फलाए। देखिए रोटी फूल जाएगा, फुला रे ये फूल गया, फुटबॉल बन गया। मारो इसी हमको, कल मारेगी टूटल फुटल से, मार देगी तो फूट गए जाएंगे। कैसे तो टूटल फुटल है बिल्कुल, हमारा अंगुली उंगली टूट फूट गया है। क्या बना, देखिए खाने पीने का तैयारी कर लिया इसने, मस्त। वाओ वाओ, ये नेहा लगाई है लौका। ये देखिए लौका के 5 पेड़ हुआ है, और इसमें लगाई थी ये धनिया और पालक। तो एक चीज़ धनिया पालक तो नहीं हुआ, लेकिन धनिया का पेड़ निकल रहा है। और नीचे लगाई हैं देखिए टमाटर, टमाटर देखिए कितना सारा बीज आया है, देखिए कितना सारा पेड़ हुआ टमाटर का, जबकि इसमें 2 ही पेड़ चाहिए था। और ये देखिए ये है खीरा, खीरा का भी 5 पेड़ आ चुका है। ये टमाटर का पेड़ बड़ा होगा, इसको बेच देंगे 10 रुपये, जिनको लेना है ले लीजिएगा। और ये घर का फूल है, देखिए पीला फूल आ गया है अभी, और छोटे छोटे फूल लगा रखी है, लाल पीला हरियर सब कलर का। ये देखिए इसमें अभी नहीं लगा है कुछ भी, और इसमें भी लगा रखी है। देखिए बारिश ने बादल घेर रखा, पूरा जोर से चढ़ा रहा बारिश, पता ना कितना बारिश पड़ेगा। देखिए बादल के हिसाब से तो लग रहा है कि बारिश खूब जोर होएगा, बहुत जोर बारिश से बारिश आने वाला है, खूब जोर से बारिश आने वाला है। इसकी तैयारियां चल रही है, गेट उट लगा देंगे अब थोड़ी देर में, ताकि हवा और बारिश जितना भी आएगा सब अंदर नहीं आओगा। और बरसात के मौसम देखिए हरियाली ही हरियाली हो गया है चारों पट्टी से। तुमने ये अपना झालमुड़ी तैयार कर लिया, ये देखिए झालमुड़ी तैयार हो गया, अब धबा धब खाओ गए हो। आवाज़ देखिए दूध भी फट गया था, दूध का भी फटौंधा बन गया, ये जामुन टाइप का बनाए हैं। सो इसमें डाल करके चीनी है, खाओ भाई खाओ, अपना तुम खाओ, बना लिया तुम खाओ। ये देखिए छोटा वाला है, ये 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है, रीजन बताऊं क्या, दिखा पैर दिखा। ये देखिए पैर में क्या कांड हो रखा है, देखिए इसका 3 दिन से हर एक दिन छोड़ करके इसे पट्टी चेंज कराना पड़ता है डॉक्टर ही जा करके, और साथ में हमारा भी है। ये देखिए गुरुकुल, गुरुकुल जो बोलता है वो हो गया है, उसमें गुरुकुल में ये गुरुकुल का इलाज है क्रोनी, क्रोनी एक आता है टेप, उसके अंदर गोल होता है, उसको हम लगाए हैं, हम वो 2-4 दिन से लगा रखे हैं। अब उसको हम कटवा के निकलवाएंगे, आज गए थे डॉक्टर ने, लेकिन थोड़ा सा काट के छोड़ दिया, बोला जी कल कटेगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो और कटेगा। जैसे जैसे क्रोनी ऊपर जाता जाएगा और हमारा कटता जाएगा हाथ। अब हम जा रहे हैं धनिया के पत्ता काटने, धनिया पत्ता का है 40 रुपये के 100 ग्राम, और टमाटर है 120 रुपये किलो टमाटर है। भाई हम तो यही मानते हैं कि जो चीज़ महंगा हो जाए उसको खाना छोड़ दो, त्याग कर दो। अगर त्याग कर दोगे तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रहेगा, तो वो अपने आप रेट डाउन हो जाएगा, हमारा ये मानना है। लेकिन कहाँ पब्लिक मान रही है, पब्लिक तो लाती है आराम से, बना बना खाती है, क्या करें, महंगा हो जाए भाई, जो पैसा वाला पार्टी है ला रहा है अपना धमाधम।
नॉर्मल आदमी थोड़ा कौन लेके आएगा, इससे 20 रुपया टमाटर खाएगा तो और सब्जी कहाँ से खाएगा। कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी एनी बडी कोई भी सब्जी, हर एक सब्जी 80 रुपए से नीचे कोई सी भी नहीं है मंडी में आज के डेट में। इतनी महंगी हो गई है सब्जी। मैं सब्जी लेके आया था शुक्रवार को, थोड़ा सा सब्जी लेके आया था, लमसम 1000 रुपये का था सब्जी लेके आया था मैं। बताइए का जी, कितने महंगी है सब्जी? महंगा तो खरीद के लाया तो महंगा ज्यादा पैसा लगता है ना। अच्छा हाँ, वो तो बात सही है, खाना तो नहीं है छोड़ेगा कोई। इतने दोस्तों आप ही छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, हम आपको नमक रोटी खिलाते हैं, खाइए। नमक रोटी कौन खाता खाएगा बताइए? कौन खाता है? इंसान खाता है जिनके पास नहीं है। जो आपने क्या बोले, जो जिसके पास पैसा है वो लाता है, आपके पास नहीं है तो हम नमक रोटी आपको खिलाते हैं, खाइए। दोस्तों हम इस ब्लॉग को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉग आप लोग देखते तो है नहीं, देखा कीजिए, थोड़ा किसी गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है? ताकि हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए